जय हिंद। सामने ये ऊंची पहाड़ियाँ, ये खूबसूरत नज़ारे, ये ऊंची चोटियाँ जहाँ पर आपको बर्फ नज़र आ रही है, उसके ऊपर बादल, कितने खूबसूरत बादल छाए हुए। और अगर आप नीचे देखें तो ये बहता हुआ खूबसूरत एक खूबसूरत नदी बह रही है यहाँ से, और इसके इस तरफ तो और खूबसूरत नज़ारा है। अभी आप देखना, इस तरफ देखें तो ऊपर देखो उसके बादल जो इन पहाड़ों की चोटियों को छू रहे हैं, बादल छू रहे हैं, तो उनके ऊपर पड़ी हुई है बर्फ, इसमें मनमोहक लग रही है। इस तरफ देखें ये पहाड़ी, ये बहती हुई नदी और वो उनके पहाड़, इसके आगे इस तरफ द्रास कारगिल का एरिया है जहाँ पर 1999 में हमने कारगिल वार जीती थी। ये वार जो 84 डे चली थी उसको हमारे बहादुर सिपाहियों ने पाकिस्तान के घुसपैठियों को वहाँ से खदेड़ कर ये चोटियाँ आगे, ये जितनी ये हमें पर्वत श्रृंखला है इन पर बैठी हुई पाकिस्तान की फौज को बाहर खदेड़ा और इनको फिर अपने कब्जे में लिया। आज 5 जुलाई है और 26 जुलाई को हम 25 साल अपनी विजय के, जो ऑपरेशन विजय उस समय चला और हमने उस लड़ाई को जीता, इस साल 2024 में 25 साल पूरे हो रहे हैं। और उसी वृक्ष में हम इस तरफ अपने बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनकी उनके प्रति अपना जो तन मन धन थे, जो भी हमारा समर्पण है, जो उनके प्रति हमारी जो हमारा हमारी इज्जत ऑनर है, उसको देने के लिए है। बहुत ही अच्छा कहीं ये घूमनी जगह है यहाँ पर, जो जिला जो हमारी लाइफ जो हमने जीती थी उसकी याद में जहाँ पर दिन है, और ये पूरे अच्छी बात के पूरे सैनिक से और परिचित के लोग इकट्ठे होके यहाँ पर इस जगह पर उन वीरों को, उन देश के सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए इस इलाके में हमने आ रखे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे वीर सपूत जिन्होंने अपना तन मन धन निछोर कर दिया अपनी मातृभूमि के लिए। जय हिंद।